नेता की राजनीतिक विरासत संभालने को अदिति सिंह ने राजनीति में एंट्री की। उन्होंने सियासी सफर की शुरुआत पिता की उंगली पकड़कर की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वे अब खुद जिले की राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुकी है। प्रदेश स्तर पर युवा महिला नेता के तौर पर उनकी पहचान बन चुकी है। कांग्रेस के जरिए विधायक बनी अदिति बुधवार को भाजपा में शामिल हो गईं। उनके इस कदम से जिले की राजनीति में काफ़ी हलचल है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में अदिति ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को करीब 90,000 वोटों के अंतर से पराजित किया था। इनके विधायक बनने के करीब 1.5 साल बाद पिता अखिलेश सिंह का निधन हो गया। उनके न रहने के बाद अदिति की सक्रियता और बढ़ गई। वह लगातार क्षेत्र से लेकर सूबे की राजनीति में सक्रिय हैं। भाजपा में मजबूत पकड़ के जरिए उन्होंने राजनीतिक भविष्य की नई दिशा तय की। नमस्कार, मैं मीनू राजपूत और आप देख रहे हैं द डिजिटल कोच की स्पेशल सीरीज राजनीतिक हलचल। डिजिटल कोच। अदिति के भाजपा में शामिल होने से यूपी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में विधायक अदिति सिंह ने पार्टी की सदस्यता ली। उल्लेखनीय है कि पिछले लंबे समय से अदिति सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा थी। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ ही आला कमान की बयानबाजी से अलग विचार रखने को लेकर चर्चा में आई अदिति सिंह को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वे बीजेपी का दामन थामेंगी। अदिति सिंह रायबरेली सदर से 5 बार विधायक रहे अखिलेश सिंह की बेटी हैं। अदिति ने यूएस की ड्यूक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। अखिलेश ने कांग्रेस के जरिए बेटी का राजनीतिक सफर शुरू कराया। टिकट दिलाने के साथ ही पिछले चुनाव में भारी बहुमत से जीत भी दिलवाई। साल 2019 में अगस्त में अखिलेश सिंह का निधन हो गया था। रायबरेली में उनकी अच्छी खासी पैठ थी और गांधी परिवार से नज़दीकियां भी। 21 नवंबर 2019 को अदिति सिंह ने पंजाब के कांग्रेस विधायक अंगद सैनी से शादी कर ली थी। अदिति सिंह की मां वैशाली सिंह गत दिनों हुए पंचायत चुनाव में अमावा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुईं। इसके अलावा राही ब्लॉक और नगर पालिका में भी इन्हीं के करीबियों ने बागडोर संभाल रखी है। वहीं अदिति के पति अंगद सैनी कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अदिति के भाजपा में जाने के बाद उनका राजनीतिक कदम क्या होगा। ऐसी ही दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें डिजिटल खोज।